जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे पत्नी की कब ले सकती पति की या ससुर की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा। जी हां दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आए दिन आप लोगों को ये भय रहता है कि पत्नी 50% पति की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार रहती है, लेकिन कौन सी कंडीशन में होती है। आज इसमें पूरी वीडियो में आपका डिटेल और पत्नियों के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा कि आप कभी अपना हिस्सा अपने पति की या अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका कोर्ट से कोई भी CRPC 125 में मेंटेनेंस बन चुका है, उस कंडीशन में आपकी पत्नी, अगर आप मेंटेनेंस देने में सक्षम नहीं है आपकी पत्नी को, कोर्ट ने आपके खिलाफ मेंटेनेंस बांध दिया है, उस कंडीशन में उसके बाद क्या होगा कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा। ठीक है, अरेस्ट वारंट निकलने के बाद आपके नाम की जो प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को क्रूप करके अपनी पत्नी को उसमें या तो कोई हिस्सा दे दिया जाएगा, या फिर उसे क्रूप करके बेच के सेल करके उसे पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा। लेकिन आपका एक बार कोर्ट से मेंटेनेंस बन गया तो उसे या तो चैलेंज कीजिए आप लोग, क्योंकि अगर आपकी वाइफ वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, तो आप चैलेंज कर सकते हो, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, या उसके पास बच्चा है, या उसका मेंटेनेंस कोर्ट से मेंटेनेंस बन चुका है, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाएगी 50%। जैसे मान लीजिए आपके एक नाम से कोई फ्लैट है, दो फ्लैट हो गए, उस सिचुएशन कोर्ट क्या करेगा, एक फ्लैट अपनी वाइफ के नाम कर देगा। ठीक है, अब वाइफ के नाम करेगा तो किससे क्या कि वो किसी को रेंट पे दे के या कोई भी अपना गुजारा भत्ता कर सकती है उस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी पत्नी का हिस्सा हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में। सेकंड टॉपिक आता है कि मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप टाइटल नेम दोनों के पैसे लगा के आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया है, और प्रॉपर्टी में मान लीजिए, या फिर आपने पैसा खुद ने लगाया है, मान लीजिए आपकी पत्नी जॉब नहीं कर रही है, या जॉब भी कर रही है, फिर भी आपकी पत्नी के नाम से आपने सोचा कि यार मैं मेरी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी कर देता हूँ, उस कंडीशन में मान लीजिए प्रॉपर्टी का टाइटल नेम आपकी पत्नी का है, तो वह पूरी प्रॉपर्टी उसी की होगी फिर, क्योंकि आप वो साबित कर नहीं पाओगे कि आपने पैसे दे के पत्नी के नाम। काफ़ी लोग ये कोशिश करते हैं रजिस्ट्री वगैरह की महिला के नाम से कम कराएंगे तो उसके कम हो जाएगा, लेकिन आज की डेट पे देखो किसका कब माइंड बदल जाता है, किसका क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार आपकी पत्नी शायद आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा, तो आप एक भी चीज़ अपनी पत्नी के नाम मत कराइए, क्योंकि टाइटल नेम अगर चला गया आपकी पत्नी के नाम से कोई भी चीज़ में, तो वो प्रॉपर्टी किससे, पूरी प्रॉपर्टी आपका 50% है, पूरी प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी। इससे बेटर है कि आपको लग रहा है कि आपका लॉन्ग रिलेशनशिप जैसे 8 साल 10 साल हो गया, बच्चे अच्छे हैं, उस कंडीशन में बाद फिर आप लोग कोई प्रॉपर्टी लगाइए, नहीं तो आपकी टाइटल नेम अगर पत्नी का हुआ और आप लोग सिविल पिटीशन कोर्ट में करोगे, साबित नहीं कर पाए आपने कि आपकी आपने पैसा दे के आपकी पत्नी, क्योंकि अगर पत्नी जॉब कर रही है ना और वो पैसा दे भी नहीं रही है आपको, और वो अपनी सेविंग अलग से कर रही है और उसके नाम से प्रॉपर्टी आपने कर दिया, तो वो तो साबित कर दे कि भाई मैंने खरीदी हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को साबित करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो उस कंडीशन में पूरी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम हो जाएगी, टाइटल नेम अगर वाइफ का रह गया तो। ये चीज़ होती है दोस्तों। अब थर्ड पॉइंट आपका आता है कि मान लीजिए कोई भी आपका हस्बैंड वाइफ ससुराल में पत्नी रहती है, उसके छोटा बच्चा है 1 साल या 2 साल का, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, जिसे विधवा पत्नी कहते हैं, उस कंडीशन में मान लीजिए हस्बैंड दो भाई है, छोटे वाले के अगर पत्नी रह रही है और वह एक्सपायर हो गया मान लीजिए, उस कंडीशन में पत्नी का एक बच्चा है, तो उसका उत्तराधिकार पिता का उत्तराधिकार बेटा रहेगा, तो उसका हिस्सा अपनी माँ के नाम से आ जाएगा। उस कंडीशन में पत्नी अपना हिस्सा ले सकती है ससुराल सास ससुर की प्रॉपर्टी में से, क्योंकि अपने पति का जो हिस्सा, जो पति का हिस्सा है, पार्ट है पति का, वो डेफिनेटली जब हस्बैंड का एक्सपायर हो जाता है, जिसे विधवा वाइफ कहते हैं, उस कंडीशन में उसके पास बच्चा है छोटा, तो फिर प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा हो जाएगा अपने पति की जगह। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में पत्नी अपने ससुराल से हिस्सा रह सकती है, विधवा पत्नी है और उसका बच्चा है, तो डेफिनेटली वो लाइफ टाइम भी वहाँ रह सकती है, उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा रहेगा जितना अपने पति का था वहाँ पे, तो वहाँ आराम से रह सकती है उस कंडीशन में। ऐसे दावित्य के तौर पर पति ससुर जी दे सकते हैं उसको, अगर उसका बेटा नहीं है और उसके पोता है, कहने का मतलब पोता बेटे का बेटा, बेटा एक्सपायर हो जाता है, विधवा पत्नी है, तो उसका हिस्सा ससुर से पत्नी ले सकती है दावित्य तौर पर। अदरवाइज मान लीजिए अगर बच्चा कोई भी नहीं है पत्नी के, तो अगर उसका पति एक्सपायर हो जाता है, तो ससुर फिर उसका कोई भी कानूनी तौर पे उसकी प्रॉपर्टी में से किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं ले सकती वह पत्नी। जी हाँ दोस्तों, पत्नी अगर पति पत्नी दोनों है, पति एक्सपायर हो जाता है, पत्नी के पास कोई भी बच्चा नहीं है, उस कंडीशन में पत्नी कोई भी ससुर की संपत्ति में किसी भी प्रकार का दावा पेश नहीं कर सकती है उसमें। फिर उसके बाद दावित्य किस में बनता है, चलो पति एक्सपायर हो गया, अब पत्नी का दावित्य कौन, खर्चा पानी कौन उठाएगा, अब इसमें आ जाता है टाइटल, क्योंकि पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो उसके पिताजी उठाएंगे, जो लड़की के पिता होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसमें, या उस फिर उसके भाई आई जॉब वॉब कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेंगी। ससुर ओनली फॉर अपने दावित्य करते हुए निभाने के लिए अगर वो रहना चाहती है उनके साथ ढंग से, अच्छे जैसे बेटा की तरह उसकी सेवा कर रही है, अच्छे से रहना चाह रही है, तो
तो फिर उनको हिस्सा मिल सकता है, अदरवाइज उसको बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मिलेगा ससुराल पक्ष की तरफ से। तो आई होप दोस्तों ये आपको जो छोटी छोटी चीज़ें थी कि आपकी पत्नी की प्रॉपर्टी, काफ़ी लोग आपको कहते हैं कि सर तलाक होगा तो पत्नी 50% हिस्सेदार होगी। देखिए पत्नी किसी भी प्रकार के आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं है। आपकी चाहे आप लोग कहते हैं बेदखल हो जाऊंगा सर मेरी पिताजी की प्रॉपर्टी में पत्नी हिस्सेदार लेगी, देखो पिताजी की प्रॉपर्टी में आपको किसी भी प्रकार से हिस्सेदार नहीं ले सकती पत्नी, चाहे वो आप बेदखल हो जाए चाहे ना हो, क्योंकि पत्नी का ओनली फॉर इतना राइट है कि आप उसे मेंटेनेंस दे सकते हो, ठीक है, मेंटेनेंस का अधिकार रखती है। अभी तक वो पार्लियामेंट में अटका हुआ कि पत्नी का, आप अभी लोग ये कहते हैं कि 50% पत्नी का हिस्सा होता है, जी नहीं, अभी तक वो बिल पास ही नहीं हुआ, अभी तक तो वो पार्लियामेंट में अटका हुआ। अगर वो बिल पास हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको उसी अपडेट मिल जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल तो पत्नी ओनली फॉर मेंटेनेंस ही ले सकती है। कंडीशन आपको मैं बता दिया किस किस कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी में पत्नी का हिस्सा हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपकी पत्नी का हिस्सा हो सकता है, अदरवाइज आपकी पत्नी मेंटेनेंस ओनली फॉर भरण पोषण ले सकती है। अगर वह जॉब नहीं करती है या वह कैपेबल नहीं है कमाने में तो उस कंडीशन में आप उसे मेंटेनेंस दे सकते हो। अब मान लीजिए कोई बच्चा नहीं है पत्नी के, अकेली है, तो उसमें मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? देखिए कोर्ट पे डिपेंड करता है, कई कोर्ट होते हैं जो 20% 25%, काफ़ी वीडियोस मेरे देखते होंगे कई इलाहाबाद कोर्ट ने 25% दिया, किसी ने 20%, किसी ने 33% दिया, किसी ने 50%, इस टाइप से। तो वो डिपेंडेंट करता है कोर्ट पे, ट्रायल कोर्ट फैमिली कोर्ट किस टाइप से उनका मेंटेनेंस बांधते हैं, आपकी क्या इकोनॉमिक्स है, क्या आप लोग कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो, ये डिपेंडेंट करता है कोर्ट, आप डिसाइड करता है। आपकी पत्नी आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रूव कर रही है उस कंडीशन में आपका वो बनता है। पिक्स अभी तक कोई रूल नहीं है, कोई भी ऐसा निर्देशक नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम थर्ड 1/3 पार्ट बनता है आपकी सैलरी से। अगर मान लीजिए आप लोग 100 रुपये कमा रहे हैं, 1,00,000 रुपये कमा रहे, तो 33,000 रुपये का पार्ट अपनी वाइफ के खिलाफ बनेगा, अगर आप वाइफ की वाइफ जॉब या वेल एजुकेटेड नहीं है किसी भी प्रकार से, तो नहीं तो अगर जॉब वॉब कर रही है वेल एजुकेटेड है तो फिर आपको किसी प्रकार से नहीं, आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हो और उस कंडीशन में किसी भी प्रकार से आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। काफ़ी कुछ जजमेंट होता है, अगर इसी तरह की कोई जजमेंट आपको, काफ़ी जजमेंट कहते हैं सर आपके जजमेंट मिलते नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, मेरे पास वेबसाइट थी नहीं, वेबसाइट कंप्लीटेड हो चुकी है, आपको पता होगा वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इंस्टाग्राम मुझसे बात करोगे तो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जीमेल आईडी, मेंबरशिप अपॉइंटमेंट लेके आप पर्सनल कोई भी डाटा किसी भी केस से रिलेटेड मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।